आदाब, न्यूज मालेगांव में आपका इस्तकबाल है। आज जिस वक्त लोग अफ्तार और नमाज मगरिब की अदायगी में मसरूफ थे, ऐन इसी वक्त छोटे ईदगाह व मौसम नदी से मुत्तसिल 60 फुटी रोड पर वाके फर्नीचर की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से भयानक आग लग गई। देखते ही देखते आग के शरारे बुलंद हुए और आस पास की दुकानों को भी निशाना बना लिया। अतराब के नौजवानों ने अपनी जान की बाजी लगाकर आग पर काबू पाने की कोशिश की। वहीं मुकामी फायर अमले को भी इस बात की इत्तला दी गई। फायर के सीनियर कारकुन शकील तैराक अपनी पूरी टीम लेकर जाए वको पर पहुंचे और मुसलसल कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में लाखों की मालियत के साजो सामान जलकर खाकिस्तर हुए। नौजवानों की हिकमत अमली के सबब आग को मजीद फैलने से रोक लिया गया, वरना बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान हो सकता था। तकरीबन 8 बजे के टाइम फोन आया मुझे कि 60 फुटी रोड ईदगाह झोपड़पट्टी के सामने पलाई की दुकान में आग लगी हुई है। मैं फौरन खाजा गरीब नवाज फायर ब्रिगेड को फ़ोन किया। वहाँ से 2 गाड़ियाँ और नवापुरा फायर स्टेशन की 1 गाड़ियाँ जामिया फायर स्टेशन की मौके वारदात पर पहुँची और आग तकरीबन 4 से 5 दुकानों में लगी हुई थी। हमारी फायर ब्रिगेड की पूरी टीम ने मौके पर पहुँच कर आग पे काबू पाया और आग जो आगे बढ़ सकती थी, आगे फर्नीचर और बहुत सारी दुकानें हैं, अल्लाह का एहसान है इतनी दुकानों में हमने आग को पूरा सिमट कर दिया। नहीं तो ये मार्केट बहुत बड़ा है फर्नीचर और ये सब का ही है। अल्लाह का एहसान है कि आग पे काबू पाया गया और अभी कोई जानी नुकसान और कुछ ऐसा नहीं है। यहाँ मालूमात ये तो आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी शायद। तकरीबन दुकानदारों से अभी मालूमात लिए हम पंचनामे की टाइम 8 से 10 लाख रुपये का ऐसा नुकसान बता रहे हैं पूरी दुकान के, 4-5 दुकानों का जो है 10-15 लाख के अंदर का नुकसान है ये। तकरीबन अफ्तारी के बाद में रोज़ा खोल कर जब घर से वापस आ रहा था 8 बजे के टाइम पे, तो यहाँ पे कुछ थोड़ा सिर्फ धुआं दिख रहा था। धुआं देखने के बाद में थोड़ा आगे बढ़ा, उसके बाद में मुझे दिखा कि कुछ ज़्यादा ही धुआं निकलने लगा। तो मैं वापस आया यहाँ पे, देखा तो एकदम फौरन 5 से 7 मिनट में पूरी दुकानें जलने लग गई थी। कम से कम 7 दुकानें जली है, तकरीबन कम से कम किसी का 5 लाख का, किसी का 7 लाख का, किसी का 3.5 लाख का, ऐसे सब नुकसान हुआ है और किसी को मार भी लगी है। और यहाँ के महल्ले के लोगों ने बहुत कोऑपरेट किए और आग बुझाने में बहुत मदद की है। फायर ब्रिगेड वालों ने भी बहुत सारी मदद की है। शकील तैराक भी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, उन लोगों ने बहुत हेल्प की। जो भी आग लगी है उधर रोड के पास सरदार नागिस के पास, मेरा साथ वाला था एक साथ, हमने ताला तोड़े और अंगार बुझाए और कम से कम कपाड़ के सब पलंग उलंग सब फेंके सोफे सट और एक को किसी को घुसा ना करते, एक को मार लगी है और आग इतनी भयानक लगी थी कि उसे कोई इंजॉय नहीं थी। पब्लिक की कोई मालूम के हिसाब को कोई मालूम के अंदर पब्लिक की जरूरत टूट रही थी, मगर हमने जितनी कोशिश करे कि जल्द से जल्द बुझने की कोशिश करे। AHC एकेडमी मालेगांव, नीट JEE की बेहतरीन तैयारी, IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी, एडमिशन ओपन, अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने, महेश नगर मालेगांव।